जी ये क्या बता रहे हैं आप हमें? ये तिलक है। तिलक? हाँ, जो मेरे फार्म का ही बच्चा है। एंड जी मेरे यहाँ ब्रीड हुआ है और ये नागराज का बेटा है। जो अपना स्टेलियन है। जी अपने स्टेलियन का ही बेचा है। तो एज वगैरह क्या है इसकी? ये तो अभी 15-17 महीने का है। जी तो वो तो ब्लैक है जी। तो ये ग्रे कैसे आएगा? वो उसकी मदर का कलर थोड़ा ग्रेइश था। हाँ, तो इसके मदर के कलर के ऊपर ये जा रहा है। एक्चुअली ये पैदा हुआ था तब काला था, जेड ब्लैक और पंचकल्याण था। हाँ, तो आप इसके पैर भी हाँ देख सकते हो, चारों वाइट है और माथे पे सिर्फ तिलक था इसलिए इसका नाम तिलक रखा हुआ है। पर अभी पूरा ग्रे हो गया। लेकिन अभी पूरा कलर चेंज हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज ही होते ही जा रहा है। एंड हाँ पॉसिबिलिटी यही है। हाँ ये क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी कि नागराज के अंदर में मेरे पास जितने भी रिजल्ट आए हैं तो बच्चे के कलर जो है वो बिल्कुल माँ के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन बिल्टअप बॉडी फिजिक और सब कुछ मस्कुलरिटी सब कुछ नागराज की आ रही है। हाँ सब नागराज अपना ही दे रहे हो। हाँ मतलब ये भी आप घोड़ी आपके पास ही थी इसकी माँ वगैरह? जी अभी भी मेरे पास है, वो मेरे राजस्थान वाले स्टड फार्म पे है। वहाँ जो राजस्थान में स्टड फार्म। हाँ हाँ। तो बात करें तो अभी कोई शो वो में इसे लगा है? नहीं अभी लगाने का था, लेकिन अभी कैसे कोरोना की वजह से कोई शो हुआ नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली बालोतरा जाएगा। हाँ अभी तो सबसे पहला मेला वही आ रहा है। एंड और कोई हॉर्स शो अनाउंस भी नहीं हुआ है। जी और जैसे कि अभी इसे रखने का मतलब स्टैलियन बनाने का है या फिर लेट्स सी। एक्चुअली इसको तो मैंने इसीलिए इसकी भी बहुत सारी डिमांड आ गई मेरे पास, लेकिन मैं इसको इसीलिए नहीं सेल आउट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये एक्चुअली नागराज का पहला रिजल्ट है। पहला रिजल्ट है तो इसका फिजिक क्या बनता है, नेचर वाइज घोड़ा क्या बनेगा एंड उसका बिल्डअप हाइट वेट बॉडी स्ट्रक्चर क्या बनता है, वो पूरा ग्रो हो जाने के बाद मेरे को एग्जैक्टली पता चलेगा, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। जी मतलब इसे अभी तो तैयार करने का विचार है। जी तो क्या है कि वो तो पहला रिजल्ट है तो ऐसा रहता है कि नहीं भाई ये मेरे घोड़े का पहला बच्चा है। और दूसरी चीज़ कि नहीं भाई कलर थोड़ा अलग पकड़ेगा तो हाँ वो भी यूनिक। ये कलर तो बहुत यूनिक आएगा। माँ का भी थोड़ा है पर वो डोमिनेंस दूसरा ही कर रहा है। हाँ। कि पहले जीन्स में शायद एक आध ग्रे होगा तो शायद तभी आ सकता है। जी मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि नहीं भाई मज्जू के रेंज से रिलेटेड ही होगा। नहीं फिर आपने बताया कि ये नागराज नहीं, अपना नागराज गया और नागराज जो है अपना आलिशान और रत्नाकर लाइन का है, तो मज्जू के तो कहीं भी रिलेशन है ही नहीं इसका। मतलब अच्छा वो नागराज की माँ रत्नाकर लाइन की जी और बाप आलिशान जी। तो अभी तो इसे रखना है। तो बात करें तो मारवाड़ी घोड़ा जो है उसमें मेनली हाइट पहले लोग बोलते थे इतनी नहीं थी, वो भी 60 मैक्सिमम 62 हुआ करती थी, 61 62। तो बाद में ये हाइट का जो बम्प आया है मार्केट में वो मतलब आप क्या समझते हो कि नहीं किस वजह से आया? कई लोग बोलते हैं थॉरब्रीड मिक्स है, या फिर कई लोग बोलते हैं कि नहीं भाई इंसानों की तरह उनमें भी डेवलपमेंट हो रहा है तो उनकी वजह से भी हाइट इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कि पहले लोग बहुत कम हाइट हुआ करते थे, अभी 6 फुट के लोग आपको मिल सकते हैं। अगर आप पुरानी अगर जो राजा महाराजाओं की जो स्टोरी सुनोगे ना तो आज के प्रेजेंट के जो 66-67 हाइट के मारवाड़ी घोड़ों की जो बातें हो रही है फिलहाल, उससे काफ़ी बड़े घोड़े हुआ करते थे। मतलब पहले हाइट में जी पहले इतने हुआ करते थे। लेकिन उसमें भी कैसा है कि अगर आप एक बच्चा है, भले ये नागराज का बच्चा है, अगर मैं इसके बचपन से इसका डाइट और उसके ग्रोथ का ख्याल नहीं रखूँगा तो ये भी कहीं 69-60 के करीब आके अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी रहेगी। तो उसके जीन्स की एबिलिटी है वो ग्रोथ लेने की, लेकिन वो नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि बचपन से बड़े होने तक उसके अंदर डेफिशिएंसी रही है। तो जब उसकी एज जो ग्रोथ की एज ख़त्म हो जाती है तब तक वो डेफिशिएंसी में रहेगा, तो वो जेनेटिक्स के हिसाब का भी जो उसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो आपको बॉडी पे नहीं दिखाएगा। अच्छा चलो ठीक है, आप अगर बाज़ की बात करें तो बाज़ आज 68 हाइट 67 68 हाइट का है। बाज़ का बच्चा आप ले आओगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप केयर नहीं करोगे तो भी वो हाइट ले लेगा, नहीं, उसके अंदर डेफिशिएंसी रहेगी तो वो भी 57 का रह के हो जाएगा। सो अपने क्या है कि अगर ये भी जो बच्चे जो घोड़े निकल के आए हैं, कई लोग बोलते हैं थॉरब्रीड के साथ हुए, हाँ हो भी सकते हैं, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थॉरब्रीड के साथ अगर ब्रीड हुए तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिल ही नहीं रही है। हाँ, उसका कान है, उसका फेस है, उसका नाक है, वाटर अदर बॉडी स्ट्रक्चर, उसका हुफ का साइज है, जो बहुत बड़े हुफ होते हैं थॉरब्रीड के। तो मारवाड़ी के जो है वो छोटे हुफ रहेंगे कंपेयर टू थॉरब्रीड। थॉरब्रीड की कंपेरिजन में छोटे हुफ रहते हैं जो अपने पास है, तो कहीं वो थॉरब्रीड का आ नहीं रहा है, ठीक है, हाइट के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसलिए वो है। और माने तो जैसे कि लोगों में आजकल हाइट का हुआ मतलब, और एक पॉसिबिलिटी ये भी रह सकती है कि किसी ने ब्रीड करवाया भी हो, लेकिन सारे जो हाइटेड हॉर्स है वो थॉरब्रीड से ही ब्रीड होके आए हैं, दैट इज़ नॉट कंपलसरी। हाँ, कोई ने करवाया हो और उसके वहाँ बच्चे की हाइट आई हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो किसी की पर्सनल वो स्टड फार्म की बात है, लेकिन मारवाड़ी ब्रीड के अंदर में है। और ज़रूरी नहीं है कि एक बार किसी ने पैरामीटर बना दिए कि भाई मारवाड़ी हॉर्स 62 हाइट के होंगे तो 62 हाइट से ऊपर जाएंगे, नहीं, वो अपने में भी कोई अपने ह्यूमंस के अंदर में भी कोई एक बंदे का फिजिक कुछ अलग निकल के आ सकता है, तो फिर उसकी हम ब्रीडिंग आगे कराए तो वो जीन्स हम डेवलप कर सकते हैं, वैसा है। और जैसे कि कहीं लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं मारवाड़ी, और एक चीज़ ये भी है कि ये जो हाइट और फिजिक्स जो हैवी आए हैं उसके पीछे एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी एक रीज़न है। आप सिलेक्टेड ब्रीडिंग कराएं तो भी आपको वो रिजल्ट मिलेंगे। और जैसे की बात करें तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि मारवाड़ी घोड़े के एंसेस्टर्स काठियावाड़ी है, मतलब एंसेस्टर मिलते हैं या फिर दोनों के मिलते हैं या फिर काठियावाड़ी ही है, तो आपके हिसाब से क्या है, मतलब ऐसा कुछ है? देखो मारवाड़ी तो प्योरली मारवाड़ की ही ब्रीड है, तो वहाँ कहाँ वो गुजरात से राजस्थान गई नहीं है, लेकिन जनरली कई बार ऐसा बोला जाता है कि काठियावाड़ी ब्रीड के अंदर अरेबिक हॉर्स के जो जीन्स है, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसके अंदर बॉडी के ऊपर वो मार्किंग्स सारे बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन मारवाड़ी इज़ प्योरली इंडियन ब्रीड। और जैसे कि बात करें तो मारवाड़ी घोड़ा या फिर कोई भी घोड़ा उसे मतलब मेंटेनेंस भी वो कैसे? मारवाड़ी ब्रीड को एक हम जैसे मालानी ब्रीड भी बोलते हैं, मालानी नसर, वो भी मैंने भी कई बार सुना है कि वो एक जगह है राजस्थान के गुजरात बॉर्डर पे, मतलब वो शायद एक जगह पड़ती है मालानी करके, वहाँ का मतलब वो जैसे कि वहाँ नाम पड़ा हुआ है कि मालानी। वो मारवाड़ी के अंदर भी ज़्यादातर मालानी जो आप जैसे जो एरिया बोल रहे हो वो कैरेक्टरिस्टिक वाले घोड़े आते हैं, मतलब जैसे हाँ, तो वो उनका नेचर अलग रहता है। वो मालानी नस्ल के घोड़ों का नेचर वो बहुत एक्स्ट्रा लागनीशील होते हैं, उनके अंदर प्यार बहुत होता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। वो मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि मतलब ऐसा मैंने नहीं देखा कि घोड़ा ये मालानी नस्ल का घोड़ा है, मेजोरिटी मारवाड़ी बोलते हैं, तो मैंने तो कब मतलब रेयरली सुना है। लोग बोलते हैं कि नहीं मालानी नस्ल भी नहीं। आप राजस्थान में जाओ, जो जिसके जो कैसे है कि जनरेशन टू जनरेशन जो लोग घोड़े रखते हैं वो आपको मारवाड़ी के अंदर में भी अलग अलग कैटेगरी दिखाएंगे। हाँ, जैसे कि काठियावाड़ी में लोग बोलते 36 प्रकार की सब ब्रीड्स होती है, वैसा हो सकता है। आपकी बात सही है, उसमें डिटेल में जाए तो अभी कुछ ना कुछ मिलेगा फॉर श्योर। तो अभी इससे तो बड़ा करेंगे आप जी, फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि अच्छा शो ऑफ करेगा अगर शो बिल्कुल लगा है, बिकॉज इसका कलर यूनिक है। हाँ, कलर इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ये बहुत, और एक्चुअली ये आया था तब जेड ब्लैक था, अभी धीरे धीरे ग्रे होते जा रहा है। आप भी हमें फोटो शेयर कर दीजिएगा, हम शेयर करेंगे, ज्वाइन कर देंगे वीडियो में, ताकि लोगों को भी पता चले नहीं भाई ये जेड ब्लैक था, पचकल्याण था, ये कहाँ से ग्रे हो गया। जी बिल्कुल, ओके, सो थैंक यू, वेलकम। Nothing can stop me, I'm all the way up, all the way up, all the way up.